हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में, दिल से स्वागत है आप लोग का। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और सभी को ठीक भी रहना चाहिए। मैं भी ठीक ही हूँ। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि ऑन स्क्रीन मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए या तो वीडियो बना दीजिए। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं हर कोई को तो बता नहीं सकता हूँ, इसलिए वीडियो ही क्यों ना बना लूँ। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जिनको पता है ऑन स्क्रीन लाइव स्ट्रीम कैसे करते हैं, वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ लाइव स्ट्रीम के बारे में। उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या सेटिंग है, हो सकता है आपको सब चीज़ पता नहीं होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसलिए जो भी ज्वाइन किए मेरे यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं, वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ पाए। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक में आपका कुछ नहीं लॉस होगा, ठीक है। मेरा क्या है, मनोबल बढ़ेगा। आपके लाइक्स कॉमेंट्स आते हैं तो क्या है, यूट्यूबर का कोई भी हो उसका मनोबल बढ़ता है, जिससे क्या है मेरा मनोबल बढ़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मन बना रहेगा, दिल करता रहेगा, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बराबर आप लोग के लिए अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। यूट्यूब के अपडेट्स के बारे में भी आपको समय समय पर बताता रहूँगा। जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन मनोबल यदि डाउन हो जाता है तो फिर वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोग के लिए हमेशा वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग का ज्यादा वक्त ना लेकर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि ऑन स्क्रीन मोबाइल लाइव स्ट्रीम आप कैसे कर पाए। तो ऑन स्क्रीन मोबाइल से लाइव स्ट्रीम जो करते हैं, इसमें क्या है, लुक अलग ही दिखता है, बिल्कुल गजब का दिखता है। जो यूज नहीं किए हैं वो यदि करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें काफी सारा फीचर है, ठीक है। ये एक्चुअली ज्यादातर गेमिंग चैनल वाले जो हैं क्रिएटर यूट्यूबर, वो इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग भी सीख जाइए कि कैसे ऑन स्क्रीन मोबाइल से लाइव स्ट्रीम आप कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, आप चैट भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑडियो से बात भी कर सकते हैं, और जो आइकॉन आपका रहेगा वहां पे उसको ऑन स्क्रीन भी रख सकते हैं। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में हैं तो आपका छोटा सा डीपी रहेगा, और जैसे एक्शन आपका रहेगा वहां पे दिखेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आगे मैं पूरा दिखाऊंगा आप लोग को ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो इसे डिटेल में बताने के लिए, आप लोग को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा मोबाइल स्क्रीन पे, तो आप लोग भी चलिए, देर मत कीजिए। ओके फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो पहुंच गए मोबाइल स्क्रीन पे। अब जानते हैं कि आप ऑन स्क्रीन मोबाइल लाइव स्ट्रीम कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब ऐप को ओपन कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए प्लस का निशान नीचे है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, क्रिएट ए शॉर्ट, अपलोड ए वीडियो, गो लाइव। तो यहाँ से भी गो लाइव पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपना चैनल ओपन करके फिर वहां से आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस चैनल का डीपी जो मेरा है सामने दिख रहा है ऊपर राइट साइड टॉप में, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे देखिए योर चैनल है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये ब्लॉग चैनल ओपन हो चुका है, ये दिख रहा है आप लोग को सामने, ठीक है। तो जो भी अभी तक मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, और जिस तरह आप मेरे उस चैनल पे सपोर्ट करते आ रहे हैं उसी तरह इस पे भी सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। बाकी आप देखिए नीचे प्लस का आइकॉन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। फिर देखिए वो तीन ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ गो लाइव के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है, जैसे कि मैं किया हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आप लोग को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइप्स ब्लॉग से मेरा लिखा हुआ था, यहाँ पे आप टाइटल डालना है, देन यहाँ नेक्स्ट कीजिएगा। आगे की कार्रवाई मैं बताऊंगा। नॉर्मल लाइव आने के लिए आपने क्या है, यहाँ पे टाइटल डालिए फर्स्ट में, देन यहाँ पे देखिए नो इट्स नोट मेड फॉर किड्स जो है ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसी को आपने सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए पब्लिक है, इससे डायरेक्ट आप लाइव आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं अनलिस्टेड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी लाइव नहीं आना है, आप लोग को बताने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, अनलिस्टेड कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, आगे जो भी ऑप्शन आएगा उसे फिल करते जाइएगा, देन आप लाइव आ पाएंगे। अब यहाँ बात रही कि आप ऑन स्क्रीन मोबाइल लाइव स्ट्रीम कैसे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइप्स ब्लॉग्स है, यहाँ पे जो है आपने टाइटल दे देना है, ठीक है।
यहां पे लिख देता हूं मैं मॉर्निंग लाइव, आप लोग को बताने के लिए इतना लिख दिया हूं मैं, ठीक है। और यहां पे देखिए जो एरो का मार्क है ऊपर आइकॉन जो है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। इस तरह का जो है ऑन स्क्रीन लाइव स्ट्रीम जो ज्यादातर गेमिंग चैनल वाले करते हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टाइटल डाल दिए यहाँ लिस्टेड, और जो पब्लिक है वो तो आपको बता ही दिए। यहाँ पे देखिए नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ये सिलेक्ट है, इसे ही सिलेक्ट रहने दीजिए। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन है नीचे, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। देखिए मेरा ब्लॉग चैनल का जो है बैनर है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पेन का आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ गया, एडिट सेटिंग, रीटेक थंबनेल, अपलोड थंबनेल, ठीक है। सेटिंग को एडिट करना है तो आप एडिट सेटिंग में चले जाइए, रीटेक थंबनेल यानी कि आप डायरेक्ट फोटो लेकर के और ऐड कर सकते हैं थंबनेल, और तीसरे में है अपलोड थंबनेल, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप गैलरी से थंबनेल ले सकते हैं, जैसे कि मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, जैसे कि इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये आ गया। इसको फिर जूम इन करना है, ठीक है, इसको जूम इन करना, नहीं तो आएगा नहीं, ऐसे बड़ा फोटो था इतना पर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया इसको। अभी आपने क्या करना है, ऊपर राइट साइड टॉप में देखिए सेव का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये थंबनेल जो है सेव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लैंडस्केप है और पोर्ट्रेट है, तो इस दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट हो गया आपका जो है शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उस टाइप का आ गया, और ये जो हो गया आपका जो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं उस टाइप का हो गया। मैं नॉर्मल भाषा में आप लोग को बता दिया, ठीक है, तो पोर्ट्रेट में ही मैं करके रखता हूँ। देन देखिए यहाँ तक की कार्रवाई हो चुकी है, अब आगे चलिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये ऑन स्क्रीन मोबाइल जो लाइव स्ट्रीम आप करेंगे उसको लेकर के ही है, उसमें फीचर जो है इस तरह का है, इसे आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देन आपने क्या करना है, गो इट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ स्ट्रीम रिकॉर्डर और कास्टिंग यहाँ पे हो गया है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको ये चीज दिखेगा पॉपअप। तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, तो इस तरह से आप ऑन स्क्रीन मोबाइल लाइव स्ट्रीम आ सकते हैं, ठीक है। और इसे बंद करना है आपको, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। लाइव के दौरान ऊपर जो वीडियो का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करने से जो है डीपी चेंज कर सकते हैं, अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, आपका यूट्यूब का जो आइकॉन है वो हो जाएगा। देन माइक का ऑप्शन है, इससे आप ऑडियो ऑफ ऑन कर सकते हैं। उसके बाद कॉमेंट है जो आप करते हैं इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए क्रॉस का निशान है ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे इस तरह का पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग, ओके कर दीजिए, तो लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चार्ट आ गया, यानी कि लाइव स्ट्रीम के दौरान आपको व्यूज कितने मिले हैं, पिक कितने किए लोग, टोटल वॉच टाइम कितना हुआ, चैट रेट क्या है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, देन आपने डन कर देना है, आपका वीडियो जो है सेव हो जाएगा YouTube में, ठीक है। अनलिस्टेड में होगा तो अनलिस्टेड में होगा, यदि पब्लिक होगा तो पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। इसको डन कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पे मेरा वीडियो जो है अनलिस्टेड था, फिर भी प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि सेव हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑन स्क्रीन मोबाइल लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। देन सेव हो जाएगा, फिर आप उसका थंबनेल जो भी है सब कुछ देख करके, टैग्स टाइटल सब कुछ देख करके फिर पब्लिक कर दीजिएगा, यदि अनलिस्टेड में किए होंगे तो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आप लोग को बताया, आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किन्हीं का कोई क्वायरी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर दीजिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से इजीली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, देन डीएम कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और कॉमेंट वीडियो रिलेटेड ही कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन की है मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।